गुलशन की तरफ है, लेकिन बहुत ठंडी हवाएं चली भैया आज कराची में। तो शुक्र है कि मैंने शॉल ली हुई है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के गदीर ने जो है ना वो अपड़ लिया हुआ है, वरना बहुत बहुत बुरी हालत हो जाती है हमारी। तो हम लोग घर से कोई 3:30 बजे के निकले हुए हैं और भूख भी लग रही थी, तो इसलिए सोचा कि कहीं पर रुक के कुछ खा लिया जाए। तो खैर शवारमा के लिए जो है ना वो हम आ गए। मुझे नहीं पता था कि जान रोस्ट वाले जो है वो अब हलीम और शवारमा भी देते हैं। मैं दिखाती हूँ, ये है जान रोस्ट, अलबत्ता इनका जे की लाइट बंद है। और ये कदीर, और ये हमने चेस वाली उसे कुछ छोटी मोटी चीज़ें कुछ लिए, 2-3 आइटम्स ही लिए थे हमने, ज़रूरत की चीज़ें थी। और ये बन रहा है शवारमा। ये हमारा आसपास से सब है चेस वैली से, अभी हम लोग आए हैं। बिल्ली देखें, बिल्ली संग है, पिशु संग है, हाँ है, तबीयत दिखा दे। हम लोग जो है एक जगह पे आ गए हैं ताकि हम लोग चाय पिए, वहीं हैं उसके बराबर में ही हैं, तो चाय पी लें। तो अभी जो है ना वो हम लोग चाय पी रहे हैं। कदीर को तो इतनी शदीद कोई सर्दी लग रही है, पता नहीं अगर कदीर हमारे गांव चले गए तो कदीर का क्या हाल होगा। तो मुझे तो नहीं समझ आई, इतनी तो कोई सर्दी है नहीं, जो मतलब है लेकिन कराची वालों की ऐसा ही बहुत होगी, लेकिन इतनी भी नहीं है कि बंदा जो है ना वो कि बंदा चीखना चिल्लाना शुरू कर दे कि सर्दी हो रही है। हम कदीर का इंटरव्यू लेते हैं, एक पूछते हैं कि उनके क्या जज्बात हैं यहाँ पे बैठ कर। जी कदीर, तो आपको सर्दी लग रही है क्यों? इतनी सर्दी तो नहीं है क्या? क्या है इस वक्त टेम्परेचर हो रहा है कराची का? हाँ पता नहीं, आपके पास गूगल नहीं है? वेदर अपडेट नहीं आती आपके पास? मेरे पास इंटरनेट नहीं है। अच्छा, इंटरनेट नहीं है आपके पास? 19 में ये हाल हो रहा है। हाँ लग रही है, मुझे क्या करें, मतलब क्या 20 स्ट्रॉन्ग समझे कि सर्दी नहीं है। तो ये कदीर का जो है ना वो हाल है इस टाइम, और कदीर जो है ना फुल कप कपा रहे हैं, पता नहीं कितनी सर्दी लग रही है। चाय आ गई, जज़ाकअल्लाह रो रहे। ये चाय आ गई है और अब हम चाय पी लेते हैं सुकून से। मैंने शादी क्यों की, मैं सिंगल ही ठीक था, अभी मैं घर में होता, अगर मैं सिंगल होता तो नहीं मैं तो दोस्तों में होता, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड कर रहा होता। दोस्त कभी सोच रहा है, मैं कमा रहा ही सही था। अल्हम्दुलिल्लाह चाय पी ली और अब हम घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। अल्लाह पाक खैर खैरियत से हमें पहुंचाए घर की तरफ, फिर इंशाल्लाह आपसे बात करते हैं। हाँ जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से घर पहुंच गए थे और शवारमा भी खा लिया था, चाय भी पी ली थी हमने, और फिर उसका खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है कि पहुँच गए थे। जब घर पहुँचे तो क्योंकि मैं कभी कभार है बीच में से खा जाती हूँ, तो जब घर पहुँचे तो लाइट नहीं थी, लाइट आने ही वाली थी क्योंकि 8:30 बज रहे थे, तो 8:35 पे लाइट आ जाती है। एक बात मैं आपको बता दूँ, आप लोगों को पता है केई वाले हमारे इलाके से और हम इस इलाके के मकीनों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, और उनकी मोहब्बत का ये आलम है कि वो हमें दिन में 3 दफ़ा याद रखते हैं। तो यानी सुबह 2.5 घंटे की लाइट नहीं होती, दोपहर को 2.5 घंटे की लाइट नहीं होती, शाम को 2.5 घंटे की लाइट नहीं होती।
जैसे एक डॉक्टर अपने पेशेंट को दवाइयाँ दे रहा होता है ठीक करने के लिए, वैसे ही जो है ये हमें 3 टाइम के डोजेस दे रहे हैं। पता नहीं इनको क्या प्रॉब्लम है, हमें अपने सारे काम उसी हिसाब से स्केड्यूल करने होते हैं। जल्दी जल्दी ये काम कर लो, लाइट जाने वाली है। ओह जल्दी जल्दी ये काम कर लो, लाइट जाने वाली है। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि जो है वो लाइट लाइट की मौजूदगी में हो सकते हैं, और स्पेशली जो हमारा इन दिनों गैस का जो आलम है तो उसकी वजह से जो है वो हमें हॉट प्लेट यूज़ करनी पड़ रही, तो वो तो लाइट से ही चलती है, क्योंकि गैस नहीं है तो लाइट भी नहीं होती। तो फिर उसके बाद हम लोग फिर जो सिलेंडर है फिर वही यूज़ करते हैं। बहुत डर लगता है उसको इस्तेमाल करते हुए। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। इसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है ना बेचारे जो है वो जल जाते हैं, कुछ लोगों की डेथ भी हो जाती है। तो बस अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें। तो फिर तब जब गैस नहीं है, लाइट नहीं है, तो हॉट प्लेट यूज़ नहीं कर सकते, तो फिर हम उस सिनेरियो में हम पे सिलेंडर यूज़ करते हैं। बात पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो लेकिन ये कि जो है वो और फिर जब लाइट चली जाती है तो फिर हम इंतज़ार कर रहे होते हैं यूँ बैठ बैठ कर। फिर बहुत सारी चीज़ें जो लाइट के आने के बाद हम कर सकते हैं, तो हम कहते हैं बस लाइट आने ही वाली होगी, हम ये काम कर लेंगे। तो मतलब ढाई 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 घंटे, वही 7.5 घंटे की लाइट पूरे दिन में गायब होती है। और फिर जब गर्मी आ जाती है तो फिर वो हमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत का इजहार भी बढ़ा देते हैं। तो खैर कुछ वहाँ पे जैसे मैं बताया था कि जौहर और गुलशन की तरफ जो है वो कुछ काम था तो वहाँ पे चले गए थे। तो चेस वैली मैंने क्योंकि देखा नहीं था, मैंने कहा जाके ज़रा अंदर देख लूँ कि ये कैसा बना हुआ है, तो वहाँ चली गई। तो फिर पर कुछ छोटी मोटी चीज़ें ली, वो मैं आपको दिखा देती हूँ, आप देख लें जी। तो ये बस मैंने छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, तो सबको पता है फुट फाइलर है, आप अब से अपने पैर साफ कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो है वो कदीर साहब को शौक था कि इस तरह के जो है वो लोफर सॉक्स लें, तो ये उन्होंने ये भी लिए। प्राइस देखे ज़रा कितनी रिजनेबल चीज़ें हैं, 299। और ये है जॉनसन बेबी लोशन, ये वैसे इस पे जो प्राइस लिखी हुई है वो 400 है, लेकिन ये हमें 400 का नहीं मिला, ये हमें 335 का मिला है। और अच्छा है कि मैंने यहाँ से ले लिया। पिछले दिन मैं एक शॉप पे देख रही थी तो वो मुझे 400, उसने 450 कहा था, मैंने कहा नहीं भाई बहुत महंगा है। तो उसने मुझे कहा कि अच्छा 400 का ले ले, तो मैंने कहा कि ठीक है मैं देखूँगी, शायद मेरे पास घर में होगा एक्स्ट्रा। तो क्योंकि मैं जो है ना वो साफ मना नहीं कर पाई थी, मुझे शर्म आ रही थी, तो बस लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे मिल गया। और क्या था, ये कदीर ने जो है ना वो घड़ी ली है, मैं इसकी प्राइस नहीं बताऊंगी, मुझे बहुत डांटेंगे, मगर बहुत सस्ती ली है। एक और भी है, एक सेकेंड, वो क्योंकि मैंने हाथ में पहनी हुई थी, चेक करी थी अपने इस ढांचे हाथ पे कि कैसी लग रही है जी। तो ये है देखें, इसमें लाइट भी जलती है, उई मैजिक है। 5:11 क्यों दिखा रहा है, टाइम तो 11:10 हो रहे हैं, 11:10, इसको कैसे सही कर सकते हैं। अच्छा चलें इसको मैं देख लेती हूँ, इसको कैसे सही कर सकते हैं, इसको बंद कर देती हूँ मैं, बंद भी कैसे हो गए, खुद ही हो जाएगी शायद। तो ये बड़ी सस्ती सी शॉपिंग मैंने की है, कभी कभार होनी चाहिए ऐसी भी शॉपिंग। हाँ जी, तो कैसी लगी मेरी सस्ती थी शॉपिंग? बस सस्ता क्या और महंगा क्या, वो चीज़ लेनी चाहिए जो आपके दिल को भा जाए, जो आपको पसंद हो, जो आप पहने, आपको सूट करें, बस वो होना चाहिए। आपकी शख्सियत में जो जो चीज़ें निखार पैदा करें वैसे ही पहने। तो बस इतना ही, आप दीजिएगा मुझे इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा आप उनसे मुलाकात होगी। और प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा कि आजकल मैं जिस चीज़ की तलाश में हूँ, अल्लाह पाक बेहतर, जो मेरे लिए बेहतर है उसकी तरफ मेरा दिल माइल करे, और अल्लाह पाक मेरे लिए उसी में ही खैर और बेहतरी लेके आए। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा,
और हम ज़रूर आपको भी इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखेंगे। और मैं कोशिश करती हूँ हमेशा कि मैं तमाम मुसलमानों को और जो जिन फ्रेंड्स ने अपने नाम कहे होते हैं उनके तो बाकायदा मैं नाम लेके, क्योंकि जिन्होंने कहा होता है यार दुआ में याद रखना, तो उनका मैं कोशिश करती हूँ कि वाकई उनका नाम लेके मैं उनको अपनी दुआओं में याद रखूँ। अल्लाह पाक हम सबकी मुश्किलात आसान करें, अल्लाह पाक हमारे लिए बहुत अच्छा करें और हमें अच्छी सेहत खुशी वाली ज़िंदगी से हम सबको नवाजें। और बस एक है, अल्लाह कभी भी किसी को किसी का मोहताज ना करे। तो हमें आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा, हम आपको इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखिए। ओह ये हाजमोला है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैंने कुछ ज़्यादा खा लिया है आज, क्योंकि मैंने शवारमा भी खाया था और फिर घर आके खाना भी खाया, तो मैंने कहा ये खा लेना चाहिए ताकि डाइजेस्ट हो सोने से पहले। तो इंशाल्लाह आप लोगों से फिर दोबारा मुलाकात होगी। आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब अगर नहीं किया हुआ ना, तो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। आप मेरी वीडियो को लाइक कर दें, नीचे कमेंट कीजिएगा, इसको शेयर भी कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।